नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं अमृत न्यूज। बिहार म्यूजियम राजधानी पटना में आज एक 3 दिवसीय रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 कलाकारों की कला यात्रा को दर्शाया गया है एग्जीबिशन में, जिसमें वरिष्ठ चित्रकार वीरेश्वर भट्टाचार्य जी और बिहार के वरिष्ठ फोटोग्राफर यानी छायाकार शैलेंद्र कुमार के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगी है। और तीसरे एक चित्रकार हैं त्रिभुवन देव, उनकी भी कलाकृतियां लगी हैं। आइए देखते हैं बिहार के एक जीनियस छायाकार और चित्रकार शैलेंद्र कुमार के छायाचित्रों को। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिंह ने किया था। आइए देखते हैं इस प्रदर्शनी। यह छायाचित्र है छठ महापर्व का। छायाकार चंदन कुमार विभिन्न प्रकार के कैमरे के भी शौकीन हैं, उनके पास हजारों तरह के पुराने कैमरे हैं। और यहाँ कुछ आप देख सकते हैं, कुछ जो कैमरे हैं यहाँ प्रदर्शित हैं। और सभी कैमरे जो है वो कार्य करने योग्य हैं, इनसे फोटो खींचा जा सकता है। नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दिन न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार म्यूजियम राजधानी पटना में रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन के दूसरी कड़ी में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छायाकार शैलेंद्र कुमार जी की छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगी है। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, आर्ट फोटोग्राफर बिहार से। 80 से 85 बैच में आर्ट कॉलेज में आर्ट का पढ़ाई की है। आज बिहार म्यूजियम द्वारा मुझे यहाँ इन्विटेशन दिया गया है। 40 साल का मेरा काम का जितना भी सीरीज है वो आपके सामने है। 30-32 सीरीज पे मैं अभी तक काम कर चुका हूँ। वो सारा लगाना तो पॉसिबल नहीं था, जगह छोटा पड़ रहा था। हालांकि जगह तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन काम के हिसाब से छोटा लग रहा था। तो हर विषय का दो तीन करके बढ़ाया गया। करीब 140 काम टोटल यहाँ। एक पैनल जो है आपका कॉलेज टाइम का, जो स्टडी टाइम का है, मैं 7th क्लास का भी ड्राइंग यहाँ जी मैं लगाया हूँ। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया गया था, मैं जो काम किया हूँ वो लगाया हूँ। और आज 2021 में भी क्या काम हुआ वो भी मैं यहाँ प्रदर्शित किया हूँ। आपकी जो उपलब्धियाँ हैं छायाचित्र जगत में, इसके लिए आपको बधाइयाँ। और आप जिस मुकाम पर हैं, जिस ऊँचाई पर हैं,
छायाचित्र जगत में, इसके लिए आप श्रेय किसे देंगे? आप श्रेय अपने परिवार को देंगे जिन्होंने रोका नहीं कि ये क्या कर रहे हो। वास्तु आर्ट में आने में गार्जियन को लगता है कि कहाँ जा रहा है, डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा है, फोटोग्राफर क्यों नहीं बनने जा रहा है, इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा है। तो कम से कम मेरे घर से इस तरह का कुछ भी ये नहीं था। हमारे घर गार्जियन को हमेशा लगता था कि जो कर रहा है वो सोच के अच्छा ही कर रहा है। तो उनका आशीर्वाद था कि आज हम माता पिता कहीं से यही गए। युवा छायाकार जी, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? युवा छायाकार में ज़्यादा लोग मीडिया साइड में भाग रहे हैं, मीडिया फोटोग्राफर, या वो लोग चाहते हैं कि तुरंत क्विक पैसा कमाए। तो पैसा कमाने में अभी वेडिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, पैसा के चक्कर में लोग उस साइड भागे जा रहे हैं। आज 20 साल से हमने कोई असाइनमेंट नहीं किया, कोई भी असाइनमेंट नहीं, जरूरतें पूरी हो गई। और अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो बहुत मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट काम से क्या होता है कि आपका ध्यान भटक जाता है, और जब शांति नहीं है, आपका दिमाग स्थिर नहीं है, तो आप कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। तो उसके कारण आज 20 साल से कोई भी असाइनमेंट देना है। एक तरह से आप छायाचित्र के जगत में आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और ये कलाकृतियाँ, ये छायाचित्र जो देख रहे हैं सभी जी, लगता है कि जितना काम कर चुके हैं उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले आपको, और बिहार का नाम रोशन करें, पुरस्कारों की बारिश हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत निधि, अमृत निधि न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।